नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप सिंह रापड़िया, रापड़िया फार्मिंग चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आया हूं डबरथला गांव में और यहां पर मशरूम फार्म, जो मशरूम की खेती बहुत ही बड़े लेवल पर की जाती है, यहां पर आज आपको देंगे जानकारी कि मशरूम की जो हट होती है वो किस तरीके से बनाई जाती है, कितने बाई कितने में बनाई जाती है और उसको बनाने के लिए कितना खर्च होता है, कितने तरह के बांस आते हैं। यह पूरी की पूरी जानकारी यहाँ बिहार से जो हट बनाने के लिए आए हैं उनसे लेंगे और उनसे ये पूरी की पूरी जानकारी आपके लिए है। प्लीज़ इसके लिए आप पूरी वीडियो को ज़रूर देखें। हाँ जी सर, आपका पहले तो सबसे पहले परिचय दीजिए, आपका नाम और मोबाइल। राम राम जी। हाँ जी, राम राम। मैं जी बसंत कुमार बिहार से हूँ, हट बनाने का ठेके लेता हूँ। और आपका मोबाइल नंबर क्या है सर? मोबाइल नंबर में जी 98-17-17-59-47। 98-17-17-59-47 जी सर। यदि कोई आपसे हट बनवाना चाहे तो आप बना सकते हो? जी सर, बना सकते हैं। ठीक है, तो आज मेरे फार्म के लिए आप मुझे बताइए कि एक जो हट होती है वह कितने बाई कितने में होती है? 30x60 के जी हट बनाते हैं, उसमें 1800 और 2000 के बीच में बेग आते हैं। अच्छा, मतलब एक हट में 1800 से लेकर 2000 के करीब बैग जो मशरूम जिसमें पैदा होती है वो आती है। हाँ जी। तो एक बार मुझे पूरे मशरूम की जो आप ये बना रहे हो इसका पूरा मुहैया कराइए। मतलब ये हट जो मैं बता दूं, यहाँ से यहाँ से शुरू होती है, आप वहाँ पर जाना जहाँ से ये शुरू लास्ट अंत बनता है। ये इसके दूसरे भाई है, ये भाई यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ तक ये 30 फुट हो गई। हाँ जी। और ये जो वहाँ से लास्ट तक है ये हो गई 60 फुट, मतलब 30x60 की। हाँ जी सर। अब इसमें मुझे बताइए कि कितने तरह के बांस लगते हैं सर? इसमें जी 24 फुटा 2.5 से 3 इंच मोटे में जी सर 100 पीस लाने पड़ते हैं। मतलब 2.5 से 3 इंच मोटे में बांस लाने पड़ते हैं, कितने? 100 पीस। 100 पीस, ओके। और उसके बाद सर आपका 18 फुट के 50 बांस लाना पड़ेंगे। 18 फुट के 50 बांस, उसका मोटाई 2 से 2.5 इंच में। 2 से 2.5 इंच में। हाँ जी। उसके बाद जी पोर आपका आएंगे 2 से 2.5 इंच में, वो भी मोटाई वो 350 पीस आएंगे। वो 350 पीस। इनके जी खर्चे लगभग जी 35 से 36-37 में आ जाएंगे। मतलब 35 से 40 हजार में बांस आ जाएंगे पूरी एक हट के लिए। हट के लिए। ठीक है, तो आप इसके लिए लेबर कितनी लगेगी? इसमें जी 10 से 12 हजार की लेबर लग जाएगी। आप 10 से 12 हजार में पूरा तैयार कर किसान को दे दोगे? हाँ जी। उसमें मतलब बंदाई जड़ाई जो भी गुड़ाई होती है इसकी, वो सब कम्प्लीट पराली वराली लगा कर? पराली जी आपका मिलेंगे 1 किले के लग जाएंगे एक हट में। एक हट में 1 किले के पराली लग जाएगा। ठीक है, तो मतलब एक हट तैयार होने में आपके आइडिया से कितना खर्चा टोटल आ जाएगा? जी खर्चा टोटल एक हट में तो बता तो दिया 35 हजार मान लो इसका बांस आ गया। हाँ। और 12 हजार आपकी लग गई। हाँ। मतलब 48 हजार। हाँ। हो गया 47 हजार। 3 हजार पन्नी में आएंगे, पन्नी या पराली, पराली का भी खर्चा आएगा, पराली का भी आएगा। तो मतलब अप्रोक्सीमेटली 50 से 55 हजार में एक हट तैयार हो जाएगा। जी जी जी। ठीक है, अब मुझे बताइए कि हट जो आप तैयार करते हो इसका स्ट्रक्चर दिखाइए, आप किस तरीके से तैयार करते हो? पहले ये लाइन है, जैसे ये लाइन बाहर की बाउंड्री। हाँ हाँ हाँ। ये पूरी बाउंड्री हो गई। हाँ जी, हो गई। इसके बाद ये क्या चीज बना रखी है आपने? ये जी बेड बना रहे हैं इसको हम। बेड दिखाइए हमें ये। दोस्तों देखिए मैं आपको बताता हूँ, ये यहाँ को आने जाने का रास्ता है। रास्ता है। ठीक है, और ये बेड हो गया। हाँ जी, एक ये हो गया बेड, एक ये हो गया, एक ये जमीन वाले हो गया जी। अच्छा, मतलब 3 बेड हो गए। हाँ। एक जमीन में, एक ये जो बांस लग गया। हाँ, और एक ये जो बांस। हाँ जी। ठीक है, ये कितने लंबाई कितनी होगी इसकी? इसका जी 55 फुट होंगे। 55 फुट, मतलब इसमें 2.5 फुट इधर और 2.5 फुट उधर छूट गया। ऐसे ही ये जो रास्ता 2.5 फुट का ये। हाँ जी। उसके बाद ये, इसके बाद ये रास्ता बीच का, ये भी सर 2.5 फुट का है। अच्छा, ये एक बेड मतलब 3 लेयर का हो गया। हाँ, हाँ, हाँ। उसके बाद ये रास्ता बन गया, इसके बाद ये, ये भी जी 4 फुट का ये भी है। अच्छा, ये 4 फुट का हो गया, मतलब वही 3-3 हो गए इसमें। तो ये कितने लगते हैं एक हट में, कितने बन जाते हैं ये बेड? 4 बन जाते हैं। मतलब एक ये हो गया 2। हाँ। एक इससे अगला 3 और एक इससे अगला 4। 4 हो गए। 4 में 3-3 के करो तो 4 3 12 हो गया जी। हाँ, 12, मतलब एक में 12 हो गया। हाँ। अच्छा जी, ये बताएं जो बांस हमने लगा दिए। हाँ। एक हट में जैसे हमने बांस लगा दिए,
ये बांस कितने साल तक चलते? चार से पाँच साल चलेंगे आपका। अच्छा, चार से पाँच साल तक लगा देते हैं। हाँ जी। तो इन बांसों को ऐसे ही लगाए रखना रहता है या उतार दिया जाता है? इसको जी उतार दिया जाते हैं। अच्छा, उतार के अपना रख लो, अगले साल फिर ये हो जाएगा। हाँ जी, ठीक। आपका जमीन भी खाली हो जाएगा अपना, कनक कुनक वो कनक क्या जीरी वगैरह लगाने वाले, कनक में तो यही लगता है, मशरूम पैदा होता है। ठीक ठीक। एक हट को तैयार होने में कितने लेबर की आवश्यकता होती है और कितने दिनों में आप तैयार कर देते हो? जी, लेबर मेरा 10 लेबर में 2 रोज में तैयार कर देता हूँ, और उसके बाद जी आपको 2 रोज में आपको मैं तैयार करके फाइनल दे सकूँ। अच्छा, 10 लेबर होगी और आपके होगी और आप उसके 10 से 12 हज़ार रुपये जो ले लेते हो। हाँ जी, मतलब इसमें आप जो किसान कोई लुवाना चाहे तो इसमें आप खड्डे भी खुद ही तैयार करते, सब कुछ आपका होता, मशीन आपकी होती है, सब कुछ जी मेरा होते हैं। ठीक है ठीक है। दोस्तों, यह थी वीडियो मशरूम के लिए जो हट बनाई जाती है, किस तरीके से बनाई जाती है, कितनी लंबाई और चौड़ाई होती है। यह वीडियो उन किसानों के लिए जो मशरूम की खेती करना चाहते हैं। दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, और जो नए दोस्त आए हैं इस चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, और यह